Thank you so much for being back into my childhood. It is hashtag Vinay Special and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Here we are going to solve sum number 2. In the following table, the toll paid by drivers and on the number of vehicles is shown. Find the mean of toll by assume mean method. Direct mean method is very easy. Yes or no? You all can do it. Now, how will you be doing the same question when it will be asked to you in the form of assumed mean? Assuming mean, how will you do this? So, first of all, we will see what is talked about. Toll is talked about and number of vehicles is talked about. So, we will make a column. Yes or no? Assume mean में आपको पता है क्या क्या ढूंढने का रहता है हम लोग को assume mean में हम लोग को क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसी यस सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे क्लास मार्क क्या बनाएंगे दिस इज क्लास कॉलम दिस इज क्लास मार्क कॉलम Understood? Yes. उसके बाद में बनेगा deviations क्या बनेगा ऑलराइट अज्यूमिंग पता है ना आपको डी ढूंढने का रहता है देन वी हैव फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड लास्ट में वी हैव डी आई व्हाट डू वी हैव एफ आई इनटू डी आई ओके तो यह वी वुड बी राइटिंग क्लास मार्क्स व्हाट इज द पेज नंबर ऑफ द सम 138, sum number 2. Class. Yes. What is the class? Toll in rupees. Yes or no? Toll in rupees. 300 to 400. First one is what? 300 to 400. Then what do we have? 400 to 500. Then? 500 to 600. Then 600 to 700. Then 700 to 800. Then after total will come here. Yes or no? Yes. Perfectly lines बने अपने एकदम बराबर. यहाँ पर what you are supposed to make a crossing line that will become a closing line. Understood or not? क्या बार आप लिख दिए class? अभी आपको क्या लिखना है class में? क्या लिखोगे आप? क्लास मार्क कैसे ढूंढेंगे क्लास को ऐड करके डिवाइड करने का 2 से जैसे 300 प्लस 400 कितना आएगा 700 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 350 यस और नो 300 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 2 मेन आंसर क्या आएगा आपका 350 ये आपको ऐसा करके दिखाना नहीं है मैंने आपके एक्सप्लेनेशन में समझाया आपको कि ये दोनों को प्लस करने का डिवाइड करने का 2 से तो 350 आया वैसे ही 500 और 400 को ऐड करेंगे तो 900 डिवाइड बाय 2 इज 450 ये ऐसे ही होगा 350 450 550 650 750 यस अंडरस्टूड यहां तक का इसका टोटल करना है क्या नो no. अब मुझे बताओ यहां पर आपको ये 5 है पांच नंबर है तो 5 का सेंटर दिख रहा है आपको 5 का सेंटर थर्ड नंबर रहेगा मीडियन यस और नो तो वैसे ही आपको इसको अज्यूम करना है कि ये ए है आपका क्या है ये आपका अंडरस्टूड ए ये अज्यूम किया आपने इतना क्लियर हो गया आपको अगर 6 रहेगा तो क्या करोगे आप 6 रहेगा तो आपको पता है ऊपर के दो और लास्ट के दो नहीं देखने का मुझे सेकंड और थर्ड और फोर्थ को देखने का यस और नो तो उसमें से दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो तो आप में आपके पास चॉइस है बट यहाँ पर आपको सेंटर वाले को चूज करने का अगर कोई ऑड नंबर का रहेगा तो ऑड नंबर रहेगा तो क्या करेंगे सेंटर वाले को चूज करेंगे इतना क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिविएशंस क्या लिखेंगे डिविएशंस वी विल राइट डाउन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस यस और नो डी आई अब मुझे ढूंढना है तो मेरा एक्स आई क्या है मुझे बताओ मेरा क्लास ही मेरा क्या है एक्स आई है यस और नो क्लास मार्क क्या है मेरा आई एम सॉरी क्लास मार्क मेरा क्या है एक्स आई माइनस ए तो 350 में से 550 गया तो कितना बचेगा 350 माइनस 550 इज इक्वल टू 200 बचेगा माइनस 200 यस और नो
350 में से 550 जाता है क्या? नहीं, पर माइनस में वी कैन गेट द आंसर माइनस 200. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 100. 550 माइनस 550 विल बी प्लस 100 प्लस 200. इतना क्लियर हो गया आपको? अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल्स. नंबर ऑफ यस और नो? नंबर ऑफ व्हीकल्स आपका क्या रहेगा? एफ आई. क्या रहेगा? इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर, आई अंडरस्टूड. यस और नो? यस. तो व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? 80. क्वेश्चन में दिया है 110, 120, 70, 40. याद रखा? क्लियर हुआ? क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी आपको, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. क्लास और फ्रीक्वेंसी. क्लास मार्क कैसे ढूंढना है पता चला ना? दो नंबर को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टू से. यस, वैसे जो बीच का नंबर मिलेगा उससे आपको डीआई मिल जाएगा. यस और नो? हर एक में से उसको माइनस करने का है. ऊपर के आपको माइनस मिलेगा, नीचे के आपको पॉजिटिव मिलेगा. अंडरस्टूड? अभी लास्ट आपका जो आएगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी डिविएशन. क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी इधर है, डिविएशन इधर है, मल्टीप्लाइड बाय एफ आई इंटू डी आई. एफ आई इंटू 200 इंटू 8, 28 का कितना होता है? 16. कितने जीरोस? 3 जीरोस और माइनस की साइन. 111 जा 11. हाउ मेनी जीरोस? माइनस की 120 जीरोस आ 0. 7 1s आ कितने जीरोस? 3. 4 2s आ 8. कितने जीरोस? 3. समझ में आ गया? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 8 और 7 को 15 कर देंगे. 16 और 11 कितना होता है? 27. Exactly 27,000. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रफ साइड में माइनस 27,000 प्लस 15,000. माइनस प्लस क्या आएगा? 27 में 15 गया तो कितना बचेगा? 0 माइनस 0 12,000 बच गया. यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 12,000. अब मुझे बताओ, माइनस 27 की साइन बढ़ी थी या प्लस 15 की साइन बढ़ी है? सो आंसर आपका क्या आएगा? माइनस 12,000. माइनस 12,000. ये आपको क्या मिला है? सबमिशन एफ आई डी आई. सबमिशन एफ आई डी आई. Submission FI DI is equal to minus 12,000. और submission FI इन लोगों का टोटल करना है आपको. बोलो 110 plus 80 is 190. 190 plus 120 is 310. 380. 380 plus 40 is 420. Yes or no? 420. टोटल आया आपको. अभी आपको ढूंढना है क्या? A dash ढूंढना है. क्या ढूंढने का है? A dash. कैसे ढूंढने के उसको? यार, हम लोग को मालूम पड़ गया कि हम लोग का सबमिशन एफ आई डी आई कितना है? माइनस 12,000. और सबमिशन एफ आई कितना है मेरा? 420. यस और नो? ये हमने ढूंढ के निकाला टेबल में से. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट डी डैश. व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट? डिविएशन डैश. यस और नो? सबमिशन एफ आई डी आई अपॉन सबमिशन एफ आई. यस. अब मुझे बताओ एफ आई डी आई कितना मिला था आपको? अपॉन 420. 0 0 कट, 0 0 कट. डिवाइड करना पड़ेगा 42 को. डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 1200 से. यस और नो? 1200 डिवाइड बाय 42. ये लिख दिया 42 का टेबल. 42 वन जा 42, 0 जा 42, 2 जा 22 जा 24 जा 8. 42 3 जा 32 जा 43 जा 12. 42 4 जा 42 जा 44 जा 42 5 जा. अभी यहाँ से कंफ्यूजिंग है. 5 2 जा कितना होता है? 10. यूनिट में 0 आता है 10 के. 1 को दिमाग में रखो. 5 4 जा
20 plus 1 21 42 6 62 12 का 2 लिखे 1 दिमाग में रखो 6 4 24 प्लस 1 25 42 7 7 2 का कितना होता है 14 1 दिमाग में 7 4 28 प्लस 1 82 16 8 4 32 प्लस 1 33 9 2 18 36 प्लस 1 37 42 10 का कितना आएगा 420 इतना क्लियर हो गया सबको टेबल लिख दिए अभी देखते हैं 42 और 12 12 स्मॉलर तो थ्री डिजिट नंबर लेंगे 120 लेंगे यस और नो 120 है नहीं है तो 84 यस 10 माइनस 4 6 1 बन जाएगा 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3 यस अगेन जीरो नीचे आएगा यस और नो 360 है छोटा क्या है 336 10 में से 6 गया तो 4 5 में से 3 गया तो इतना क्लियर हुआ आपको पक्का अभी यहाँ पर 42 के टेबल में 24 तो आएगा नहीं यहाँ पे 0 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डॉट अंडरस्टूड 42 इनटू हाउ मच इज 4240 दिया है क्या यहाँ पर नो और स्मॉलर टू दैट 5 210 कितना बचेगा अभी आंसर आपका 30 फिर एक जीरो डालेंगे हम लोग फिर डॉट डालेंगे क्या नो सर व्हाट इज स्मॉलर टू 300 या 294 42 7s are 294 6 विल बी द आंसर 28.57 आया है मतलब आपको लगभग 28.57 के बराबर क्या मिलेगा आंसर मिलेगा D-28.57 अभी लास्ट स्टेप करने का आपको मीन ढूंढना है क्या ढूंढना है आपको मीन x डैश इज इक्वल टू a plus d dash नाउ यस और नो बोलो फॉर्मूला मीन x डैश इज इक्वल टू a plus d dash a कितना है मेरा a 550 है डी कितना है मेरा डी डैश 50 में 28 डालेंगे तो कितना आएगा 578.57 इज द आंसर मीन एक्स डैश कितना मिला आपको 578 आई एम सो सॉरी आंसर वेंट रॉन्ग यस बिकॉज माइनस है ना यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस डाल दिया आपने यहाँ पर भी माइनस आएगा यस और नो एज माय आंसर करेक्ट नाउ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 550 माइनस 28.57 यस और नो ऊपर डॉट नहीं था तो उन्होंने डॉट डाल दिए तो बाजू में क्या डालेंगे ये बन जाएगा 10 ये बन जाएगा यस और नो 8 कैसे बनेगा बेटा 9 ही रहेगा अंडरस्टूड और नॉट ये बन जाएगा 4 इसको काटेंगे क्या नो 10 माइनस 7 3 9 माइनस 5 डॉट के नीचे डॉट 521.43 क्या आंसर आएगा 550 माइनस 28.57 आंसर विल गिव यू 521.43 Understood? The mean of toll, the mean of toll is 521.43. इतना clearly समझ में आया आपको? Will give it. It will give you how many marks? 3 marks. This is 3 marks. Understood, everyone? This is how we have really worked out a bit harder. Champions को कब तक आने तो लो ना. और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूँ ना ऑलराइट विल दैट आल्सो मेक श्योर दैट यू जस्ट गिविंग अ बिग फैट थम्स अप टू दिस वीडियो शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड एंड आल्सो विद दैट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट आल्सो विद दैट कमेंट डाउन एंड टेल मी हाउ वाज दिस वीडियो थैंक यू सो मच